अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले वो आपको खालिद भाई खुद बताएंगे। खालिद भाई आज आप क्या बना रहे हैं हम लोगों के लिए? यखनी बना रहे हैं। आज हम चिकन वाली यखनी बनाएंगे। यखनी जम्मू कश्मीर के लोगों को पता होगी, चंडीगढ़ में सारे लोग हैं इनको नहीं पता होगा भाई। ओए ये क्या था, कौन सी इफ्तारी पे दुआ मांगी है यार साहिर भाई के लिए, ये जल्दी ठीक होते। हमारा आवाज बनाता हुआ साहिर भाई, साहिर भाई त्राओ मेथी त्राओ यार, यखनी यार यखनी त्राओ यार, खत्म भाई। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरबीएम ब्लॉगर। तो दोस्तों मेरी तरफ से सभी को आठवीं सहरी मुबारक और मेरी दोस्तों की तरफ से भी सभी को आठवीं सहरी मुबारक। उम्मीद है कि सारे लोग उठ चुके होंगे, उठ के अभी सहरी शायद खा भी ली होगी, क्या पता किसी ने खा भी ली होगी। तो अभी तो हमने नहीं खाई, अभी हम बस 4:30 बजे उठे, थोड़ा लेट हो गया था तो आज उठे हम 4:30 बजे और सारे उठ गए भाई, उठे क्या मतलब सोए ही नहीं भाई रात को। तो साहिर भाई भी उठ चुका है शायद, ये भाई हैप्पी सहरी हैप्पी बर्थडे थोड़ा चल रहा है, हैप्पी सहरी बोल रहे हो। ये तो हमेशा नंगा ही होता है भाई। और बाकी के सारे यहाँ पर खालिद भाई माशाल्लाह उठ के पहले तहज्जुद वगैरह पढ़ दी इसने, और दानिश और खालिद भाई भी उठ के हैं। और वैसे आज सब्जी के है, फुलगोभी है शाम की और ऑमलेट है साथ में। तो अभी बैठ गए सारे और वहाँ पर दो शख्स हैं। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम, आतिफ अस्सलाम वालेकुम, इनका फेस कितना सही आता है व्लॉग में। नमक कम है, अब सहरी वगैरह खाते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया 59% लोग, वो सब्सक्राइब कर दो। 60% है कि कितने हैं वो सारे सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मतलब आजकल लोग देखते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। तो भाई ऐसे ब्लॉग पसंद करते रहो और हम डेली ब्लॉग करते रहेंगे। 30 डेज का चैलेंज जो रखा है वो हमने पूरा करना है, तो प्यार दिखाओ, कमेंट्स करो जितने हो सके उतने कमेंट्स करो तो मजा आएगा। ठीक है, अभी हम सहरी खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, अभी जी फ्रूट वगैरह हमने काट दिया, ये हमारा फ्रूट वगैरह फ्रूट चाट। और यहाँ पर खालिद भाई आज रोटियां बना रहे हैं और रोटियां देखेंगे खालिद भाई की कैसी डिजाइन की। भाई दिखा सकता हूँ आपकी रोटी किस डिजाइन की भाई, ये देखो भाई माशाल्लाह खालिद भाई ने मीठा पराठा बनाया मेरे लिए आज। ओहो भाई क्या गोल है, आखिर क्या आपने सीख ही लिया है? बस इसका थोड़ा सा बुरी हालत होगी, इसको थोड़ा वो ऑपरेशन हुआ है। हाँ आज थोड़ी चेंजिंग आई है भाई, भाई को ईगो पे आ गई थी शायद बात है ना भाई, ईगो पे आ गई थी बात, अभी अच्छे बनाई है। तो चाय वगैरह पियेंगे, वहाँ पर नाच सुन रहे रब्बी जल्लल्लाह माफी तलबी बैरुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। आया है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। अभी हो चुकी है मॉर्निंग हमारी, अभी हम जा रहे हैं शॉप पे और क्या करने जा रहे हैं भाई, ये क्या आ गया सॉरी। और पहले तो हमारा यहाँ पर सामान आ चुका है, यहाँ पर हमने चिकन वगैरह मंगाया था क्योंकि चिकन इज़ ज़रूरी, और चिकन क्यों मंगाया था वो आपको आज पता चलने वाला है। और साहिर भाई यहाँ पर बिना शर्ट के 24 घंटे ही घूमते रहते, पता नहीं क्या हो गया इनको भाई, ज़्यादा बॉडी चढ़ गई शायद है भाई, मुझे लग रहा है बॉडी तो चढ़ी नहीं। हाँ साहिर आजकल तुम नंगा क्यों ज़्यादा घूम रहा है, क्या मसला है, बॉडी ज़्यादा चढ़ गई इधर को, कमज़ोरी आई है कि बॉडी चढ़ी है? अच्छा आदत है। तो आज हमने चिकन मंगाया, और चिकन मंगाने का मतलब क्या था भाई? भाई चिकन मंगाने का मतलब था कि हमें कुछ स्पेशल बना के देगा खालिद भाई। हाँ यार, क्योंकि यार कल वाले में ना हमने कुछ खास बनाया था लेकिन मज़ा आया था,
बट हमने कुछ खास नहीं बनाया था। तो आज हमारे खाली भाई ने प्लान बनाया कि कुछ खास बनाना है, तो उसके लिए हमने चिकन मंगा दिया और यहाँ से सामान वगैरह लाना है। वो दिखाएंगे क्या सामान लाएंगे और क्या बनाने वाले, वो आपको आगे पता लगेगा। तो तब तक बने रहो, ठीक है ना। अब यहाँ से वाटरमेलन ले रहे हो, प्याज टमाटर वगैरह लेंगे, सारा चीज़ें फ्रूट वगैरह जो जो चीज़ लगी और वो ले लेते, और उसके बाद मैं बताता हूँ हम आके लेने वाले क्या है यार। तो वो खाली भाई आपको बताएंगे। ये बड़ा वेटेड है यार, ये क्या हो गया, इतना घटिया सा है। तूने सबसे पहले बोला अच्छा है, शर्ट बड़ी अच्छी पहनी आज आपने, बड़ी प्यारी है, एस्ट्रा, है ना? एस्ट्रा भाई। अच्छी है ना टी शर्ट इसकी, बहुत प्यारा लग रहा है इसमें। और मेरा खालिद भाई बताएगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। भाई ये सारा क्रेडिट आज का खालिद को जाएगा, क्योंकि खालिद भाई को ही ये चीज़ बनाना आती है और हम में से किसी को नहीं आती बनाने। शक्ल मत छुपा भाई, इतनी अच्छी शक्ल दी ऊपर वाले ने, छुपा क्यों रहा है भाई। लेकिन कुछ भी बोला खालिद, शर्ट बड़ी सही लगाई है भाई ने, है ना, टी शर्ट बड़ी प्यारी लगाई है बंदे ने, बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉबेरी ये लाया, यहाँ से फ्रूट वगैरह ले लिया है, अच्छी लगती है ना, अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, ट्राउजर भी अच्छा लग रहा है, टी शर्ट भी अच्छी लग रही है। और यहाँ से उठाने हमको दही, और दही दो पैकेट उठाने, चलो दो पैकेट भी उठाना है ना। वैसे हमें दही तो वैसे भी फ्री मिलेगी ना, दो अगर दूध के साथ ही, नहीं उसके साथ पनीर के साथ, पनीर के साथ। हाँ तो इसकी बात कर रहे हैं, आधा के जी वाला है। ओ यार ये कहीं कम, ये तो कौन सा दही है, सेम ही होता ना वीर का, कम तो नहीं पड़ेगी यार। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं छत पे और आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले वो आपको खालिद भाई खुद बताएंगे। खालिद भाई आज के बारे में बताइए कि आज आप क्या बना रहे हैं लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए। हम यखनी बना रहे हैं, यखनी अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को पता होगी, लेकिन जो चंडीगढ़ में सारे लोग हैं इनको नहीं पता होगा भाई। एक्सप्लेन करो कि हम चिकन वाली यखनी बनाएंगे, यखनी वरना बनाते वो दूसरी वाली, हम चिकन वाली यखनी बनाएंगे भाई, बहुत ही स्पेशल चिकन वाली यखनी होने वाली। तो इसके बारे में खाली भाई आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लगता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है भाई। थोड़ा सा पेस्ट बनाना पड़ता है इसका, पहले टमाटर का थोड़ा पेस्ट, नहीं तो कोई लोग डालते भी है लेकिन फिर भी हम डालेंगे टेस्ट के लिए। हाँ प्याज डालेंगे और टमाटर और तेल गरम करेंगे, और क्या करना करेंगे उसके बाद जो दही होती है, दही को उबालना पड़ता है जब तक ना वो पतली हो जाती है। ये इसमें आपने डाल दिया है, इसमें क्या, ये तो इसमें चिकन है। अच्छा इसमें चिकन बॉइल के लिए डाल दिया, ठीक है, बॉइल के लिए डाला है ताकि और बाकी की आगे चीजें फ्राई करके भी चिकन डालते, लेकिन हमने सोचा फ्राई करके ज्यादा टाइम हो जाएगा, टाइम लगेगा और दर्द भी होता है। हाँ तो थोड़ा हैवी हो जाता है वो, तो अभी आपको, हाँ तो आपको अभी हम आराम आराम से बाकी चीजें बताएंगे। और आज बन रही है इस डिश का नाम है चिकन यखनी। मेरे को नहीं लगता किसी ने ऐसा सुना होगा नाम चिकन यखनी। हाँ यार चिकन यखनी मैंने नहीं खाई भाई, मैं पर्सनली बोल रहा भाई, मैंने आज तक मैंने खुद नहीं खाई है, मैं खुद आज बना रहा। अच्छा पहली बार तू खुद बना रहा है, वाह वाह, आपके घर वालों को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि खालिद भाई आज वो डिश बना रहा है जो उसने आज खुद पहली बार बनाएगा भाई। और साहिर भाई वहां पर नंगड़ू करके बैठे हुए, साहिर भाई आप एक्साइटेड हो आज की डिश के लिए, चिकन क्या नाम है, चिकन यखनी, बहुत एक्साइटेड हो भाई। क्या भाई क्या लाइट की ये फंसी भाई, अब बनेगा कैसे, यहाँ पर लाइट से चलता है ना, अगर भाई फंसी गैस है हमारे पास, लेकिन उस पर अभी कुछ और बन रहा है, देखते हैं क्या बनता है, हो पाएगी हमारी चिकन यखनी या नहीं, तो लेट्स सी। और बना के खाएंगे और दिखाएंगे भी आपको, रिव्यू देंगे कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा वो भी आप देखोगे, ठीक है ना। 5 मिनट के बाद लाइट आ चुकी है माशाल्लाह, हमें लगा भाई लाइट ही नहीं आएगी, मसला हो जाएगा भाई, लेकिन लाइट आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस काम स्टार्ट करते हैं हम अभी। साहिर भाई यहाँ से पानी वगैरह डाल रहे हैं छत पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होगी यहाँ पर ना, धूल होगी है, तो सफाई ज़रूरी। और हमारी आंटी जी हमें रोज़ कमेंट करती है कि छत की सफाई इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उनकी बात सुननी पड़ती है। हाँ साहिर भाई आंटी की बात सुन रहा है, इसलिए तभी सफाई ठंडा रहेगा, हाँ और सफाई भी रहेगी, हाँ खुद निकल आया। हाँ मैंने कुछ चीजें डाली उससे हड्डियों से चिकन ये ऑयल खींच गया भाई, कुछ भी बोलो सटकी है लेकिन दिमागदार भी है थोड़ा थोड़ा। अभी हमने वाटर मेलन लाया, ये देखो भाई इसका कलर, जाओ चल इसको चेंज करना है, इसको चेंज ब्लॉग के साथ जाओ ताकि वो मना ना करता। क्या मिक्स कर दिया भाई, दही मिक्स कर दी इसमें भाई, दही मिक्स कर रहा हूँ, इसको रोल करते रहना, इसको कम से कम आधे घंटे रोल करते रहना। इसको क्या पता होगा लद्दाख वाले को, क्यों नहीं पता, कैसे पता होगा, जरा बता, तूने बनाई कभी है,
इसमें भाई क्या क्या मिक्स हो गया भाई? भाई इसमें चिकन भी हो गया, मसाले भी हो गए, सब कुछ मिक्स हो गया, पेस्ट भी हो गया, सारा डाल दिया। और ये देखिए अभी आई खुशबू क्या है, ये पत्ता डाला। ये देखो भाई पत्ता, क्या बात। साहिर भाई अभी क्या कर रहे हैं? 300 तारीख के हदीस पढ़ रहे भाई, कितना औजुम है भाई। हमने ला लिया नया वाला, ये वाला हो गया। पैसा बाद में, हम लोग पैसा पहले देखते हैं। यखनी वाला कलर है लेकिन टेस्ट मुझे लग रहा है कुछ और होगा। गया तो भाई चिकन फर्स्ट टाइम है, इसका कुछ अलग टेस्ट। तो ये कहना चाहते कि क्या पता यखनी ना हो। ये अब इसने एडवांस में बोल दिया ताकि अगर यखनी ना हो तो मैंने बहुत जल्दी बुला लिया। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और टेस्ट अच्छा होगा तब फायदा है। और स्ट्राइक क्या बोल रहा है खाली नहीं? मैं बोल रहा हूँ भाई लोगों को जो भी देख रहा है अभी इनको बोलो कि लाइक कमेंट शेयर। वैसे यार अभी तक तो मतलब दोनों मुकाबले टक्कर के, मतलब ये भी सही बनाता है भाई, ये भी सही बनाता है। लेकिन जो आज ने यखनी बनाई ना भाई, मैं इसके लिए एक्साइटेड क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम बनाई है, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका यखनी बनाने का विद चिकन। तो अभी नहीं हमें पता कि किस हिसाब का टेस्ट आएगा, बट दिखने में बहुत टेस्टी आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या बता सकते हैं भाई, अभी आप दिखा ही सकते हैं और जब खाएंगे उस टाइम आपको अच्छा रिव्यू भी देंगे, अगर सही हुई तब। अगर नहीं हुई तो भाई फिर नहीं, तो फिर सीधा बोली। हाँ। इसमें तूने अंडा भी डाला ना? हाँ, वो अंडा उसमें डालना पड़ता है ना ताकि वो दूध फटे ना। अच्छा अच्छा, अंडा भी डाला है इसमें ताकि दूध फटे ना। कमाल तो है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है इसको यहाँ पर। भाई लोगों दुआ करो, दुआ करना खाली भाई के लिए, क्यों खाली भाई काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में जाने जाते हैं। और बताना मेरी नमाज कैसे लगी? नमाज मेरी कैसे लगी? खाली भाई ने सुबह नमाज पढ़ाई थी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी नमाज पढ़ाई थी। तो अब बारी बारी हर दिन एक, कभी मैं पढ़ाऊँगा, कभी साहिर भाई, कभी दानिश, कभी आतिफ। तो हमने अब रखा है कि कंटिन्यू सारे एक दूसरे पढ़ाते रहेंगे जमात के साथ, जमात के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम टाइम हो रहा है 6:12 और अभी हमारे पास आधा घंटा है, आधा घंटा है, बस आधे घंटे में हम इबादत करेंगे, मुंह धोएंगे, सब कुछ ठीक है। फ़ोन देखो कहाँ पर अटकाया था मैंने भाई, यहाँ पर। अगर यहाँ से फ़ोन गिरा तो खाली भाई मुझे ख़त्म कर देगा। अगर मेरा फ़ोन गया तो तू गया, इस दुनिया से तू गया। देख लो भाई फ़ोन इतना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए भाई। साइको देखो, साइको साइको देना, साइको साइको की हरकतें देना दोनों। तू वहाँ पर क्यों कर रहा, थोड़ा इधर भी तो कर सकता साहिर। क्यों वहाँ पर क्यों नीचे उसके क्यों जा? क्यों मतलब मन कर रहा? ओके सॉरी, मैं तो बोल गया था तेरा मन तो। यहाँ देखो क्या चिपकाया इसने, देखो ये भी कुछ होगा शायद ना। ओए ये क्या था, ये क्या था भाई? ये ट्रेनिंग होती। कौन सी? इसको सायरी क्या हो गया भाई इसको यार, ये नहीं था ऐसा पहला यार। अभी देख ट्रेनिंग कर रहा था, अब जाके फिर से खाने के बाद चला गया। वो देख पीछे देखना, वो देख मेमोरी कार्ड है कौन, वो मेमोरी कार्ड लगा सी टेंशन से। पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़। वो देख क्या लगा है पीछे, क्या हो गया भाई? चिप 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 है ये। मैं आज क्यों शिकर सुबह में जल्दी बने भाई के इफ्तारी पे दुआ मांगी है यार साहिर भाई के लिए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। हाँ भाई इफ्तारी पे दुआ मांगी साहिर भाई के लिए कि साहिर भाई जल्दी ठीक हो जाए। आ जाओ यार सर, आ जाओ तेरे दुआ मांगूंगा मैं। हमने कस्टर्ड भी बना दिया है, तूने कस्टर्ड भी बना दिया साहिर? अच्छा, और यखनी भी तैयार हो चुकी भाई। ये यखनी, ये रही यखनी, और ये कस्टर्ड, और वो फ्रूट वगैरह भी है वहाँ पर, ठीक है ना। और ये चावल। क्या हो गया भाई तुम लोगों को यार? वो देख उसको देख। शायद नहीं जान वैसे कर रहे हैं, तू यहाँ से दिखाने जाता है ब्यूटी मुख।
आओ जल्दी दुआ शुआ करो यार, अभी सिर्फ आठवां रोजा होने वाला आज पूरा, तो आज से डिप्रेशन में जा रहा भाई, अभी 22 रोजे रखने थे हमें। भाई कितने का देखना, कितने का? 30 का भाई, 20 का, 20 का, 20 का। ये चलते रहता है भाई। हाँ तो पीना है नहीं? हाँ हाँ। तो दे इधर के लिए लास्ट। तो गया लास्ट मेरे। देख इसने दो दे उसको यार, एक जरा निकल ये पहले इस मत दे, मैं नहीं दूंगा इसको। दे यार प्लीज यार, ये सिर्फ जलेबियाँ खाएगा। आवा ये देखो भाई, ये तूने इसमें क्यों पिया? क्योंकि गिलास कम थे। इसको क्या हो गया यार, कप में नहीं पी रहा, गिलास उसमें पी रहा है, उसमें सही को वो देख क्या कर। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी हमारी आठवां रोजा भी आज मुकम्मल होता हुआ, आठवां यार इधर दे मुझे, दे। आज मैंगो वाला कस्टर्ड बनाया था ना, मैंगो फ्लेवर था। ठीक है, ट्राई तो आज बस यखनी करनी है। ओ भाई बाहर से बोल गया, यखनी के लिए ही तो आज स्पेशल था। आज हमारा आवाज बनाता हुआ साहिर भाई, साहिर भाई त्राओ मेथी त्राओ यार, यखनी यार, यखनी त्राओ यार, और ये यखनी एट द एंड आती है। अभी पहले सबको तरी, क्या बात है भाई, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं भाई। खुशबू तो बहुत, मैं खाता नहीं हूं यखनी यार, लेकिन आज खाऊंगा खालिद भाई। तो आज पूरा वाजवान लग रहा है भाई, वो देखो। क्या बात है, चिकन तो डाल, जा बाद में डालूंगा। क्यों? दूसरा बंदा आएगा। अच्छा चिकन वाला दूसरा होता है, ठीक भाई चिकन वाला। अच्छा चेंज ओके, मैं तराऊ यार वो आज तराऊ में लेग पीस यार, मेरे को लेग पीस लेग पीस सही के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारी यखनी प्लस चिकन, ये हड्डी ओ आराम से कम देख, बस कर बस कर बस, उधर भी देना दो दूसरों को। टेस्ट कैसा है? लॉयल जवाब चाहिए भाई। अच्छा कसम से बढ़िया, बिस्मिल्लाह माँ की कसम। 10 में से कितने नंबर देना चाहता है? 10 में से 8.5। साहिर तू बता, 10 में से 10? क्या बात है, जरा मैं ट्राई करूं। खत्म भाई, माँ की कसम बहुत जबरदस्त है, बस जैसा सोच जाए ना उससे ज्यादा अच्छा भाई साहब, बहुत सही है यार, चिकन के साथ तो ज्यादा ही मजा आया, बहुत सेक्सी बनी। थैंक यू भाई, थैंक्स ब्रो फॉर दिस स्पेशल डिश। जी दोस्तों अभी हमारी यखनी चिकन यखनी हो चुकी है कंप्लीट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, सच बोलूँ तो भाई 10 out of 10 था भाई, बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ा आ गया खा के। इफ्तारी हो चुकी है अच्छे से और अभी हमने नमाज वगैरह पढ़ लेनी है मगरिब की, और साहिर भाई बोल रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा भाई, जमात के साथ ही नमाज पढ़ा करेंगे आपसे, और साहिर भाई नमाज पढ़ाने वाला है, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है कि अगर साहिर भाई नमाज पढ़ेगा हम सारे साहिर भाई के साथ नमाज पढ़ने वाला है। الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر